हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस एंड केविन ओवंस के हीटेड आर्गुमेंट के बारे में जो हुई थी बैकस्टेज। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हुए हैं WWE में जहां पर रियलिटी में बैकस्टेज काफी हीटेड आर्गुमेंट्स हुई है बिटवीन टू सुपरस्टार्स। तो अब ये आर्गुमेंट हुई है बिटवीन रोमन रेंस एंड केविन ओवंस। किस बात से रोमन रेंस सच में गुस्सा थे केविन ओवंस के साथ, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे WWE के शो के बारे में जो होने वाला है इंडिया में। जैसे कि आपको पता है कि ड्रू मैकइंटायर मुंबई में आए थे और उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है इंडिया के लिए। और फाइनली दोस्तों, वो सरप्राइज जो है उसका लीक आ चुका है हमारे पास, और वो ये है कि WWE शो करने वाला है इंडिया में। अब आपको ये जानना होगा कि वो कहाँ पर होगा। तो दोस्तों, WWE ने एक सरप्राइजिंग वेन्यू रखा है और वो है वेन्यू हैदराबाद। और जैसे रेसल वोट्स ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि एक इंटरनेशनल लाइव इवेंट होने वाला है WWE का ऑन January 18th और January 19th को, और उसे पता नहीं है कि ये जो इवेंट है वो TV पे आने वाला है या फिर नहीं, या फिर उनको लोकेशन भी पता नहीं थी। बट अब लग रहा है कि दोस्तों यही इवेंट हो सकता है इंडिया वाला इवेंट जो होने वाला है हैदराबाद में, और उसकी डेट हो सकती है January 18th या January 19th। पर दोस्तों, वेन्यू अगर हैदराबाद को छोड़कर पुणे, मुंबई या दिल्ली में होता तो काफ़ी मज़ा आता। मैं तो यही सोच रहा था कि मुंबई में होने वाला है तो काफ़ी अच्छा होगा, बट मुंबई में नहीं हुआ, ये होने वाला है हैदराबाद में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से सुपरस्टार्स आते हैं यहाँ पर। कहा तो ये जा रहा है कि इंटरनेशनल एंड इंडियन दोनों सुपरस्टार्स आने वाले हैं और कम्पीट करने वाले हैं इस शो में। अब तो WWE को बहाना भी मिल गया है कि जिंदर महल को थोड़ा सा यूज़ किया जाए, अदरवाइज HHH तो किसी को पुश करता ही नहीं है मिजट्स एंड वीमेन को छोड़ के। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर HHH को एक बहाना मिल गया है कि जिंदर महल को TV पे दिखाया जाए और एक विनिंग फैशन में दिखाया जाए, क्योंकि इंडिया का इवेंट आ रहा है ना, तो अगर इंडिया का ही सुपरस्टार को पुश नहीं किया जाए तो कैसा लगेगा। तो आप भी सपोर्ट करिए कि इंडियन सुपरस्टार्स या फिर जो सुपरस्टार्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक जिंदर महल, उन्हें इस तरीके से ना यूज़ किया जाए कि बस इवेंट आ रहा है इसलिए पुश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जिंदर महल एक फॉर्मर WWE चैम्पियन है, उन्हें काफ़ी अच्छा पुश भी मिलना चाहिए जैसे इन बाकी के मिजट्स एंड वीमेन को मिलता है। और रही बात वीर एंड सांगा की, तो ये दोनों हमें NXT में दिखे थे एक ज़बरदस्त टैग टीम मैच में, बट उसके बाद से ये दोनों फिर से गायब हो गए हैं। तो क्या यही बुकिंग है हमारे इंडियन सुपरस्टार्स की? ऐसे तो बुकिंग नहीं होती है मिजट्स की और वीमेन की, तो फिर हमारे इंडियन सुपरस्टार्स की क्यों? तो इसलिए दोस्तों, हमें आवाज़ उठानी चाहिए इस बात पर, क्योंकि जो आने वाला इंडिया का इवेंट है उसके लिए बस तुम पुश मत करो इंडियन सुपरस्टार्स को, उसके आगे भी करो, क्योंकि अगर उसके लिए सिर्फ पुश करोगे और उसके बाद फिर उन्हें बरी करोगे या फिर ऑफ TV रखोगे, तो हमें तो यही लगेगा कि तुम्हें बस इंडिया में मार्केट करना है, बिजनेस करना है, इसलिए तुम उन सुपरस्टार्स को पुश कर रहे हो। तो यहाँ की जनता इतनी पागल नहीं है कि तुम ऐसी सब गंदगी करो। तो दोस्तों, आप सब भी आवाज़ उठाइए कि हमारे इंडियन सुपरस्टार्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पुश किया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे रोमन रेंस के रॉयल रंबल के ओपोनेंट के बारे में। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स चल रहे थे कि रोमन रेंस का जो रॉयल रंबल का ओपोनेंट है वो कौन होगा, पर दोस्तों अब रिपोर्ट्स आ गई है कि वो ओपोनेंट कौन हो सकता है रोमन रेंस का एट रॉयल रंबल। रिपोर्ट्स ये आए हैं कि पहले ये रिपोर्ट्स आए थे कि रोमन रेंस की जो राइवलरी होगी वो होगी शेमस के साथ एट रॉयल रंबल फॉर WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, बट फिर वो प्लान्स कैंसिल किए गए और अब केविन ओवंस जो है वो बनने वाला है रोमन रेंस का ओपोनेंट फॉर WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप एट रॉयल रंबल। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसी होती है इनकी फ्यूड और कौन जीतता है रॉयल रंबल में। अब दोस्तों, बात करते हैं रोमन रेंस एंड केविन ओवंस के हीटेड एक्सचेंज के बारे में। WWE में हमने काफ़ी बार देखा है कि बैकस्टेज काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, जैसे क्रिस जेरिको एंड ब्रॉक लेसनर की हुई थी बैकस्टेज, और ऐसे बहुत कुछ हुई थी, और वैसे ही रोमन रेंस एंड केविन ओवंस की हो चुकी है। फाइटफुल सिलेक्ट ने ये रिपोर्ट दिया है कि रोमन रेंस काफ़ी अपसेट थे मेन इवेंट के बारे में, जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की मैच थी,
उसमें एक ऐसा स्पॉट था जहाँ पर वो करना अनप्लान्ड था, वो प्लान में था ही नहीं कि वो स्पॉट करना है, और केविन ओवेंस ने वो स्पॉट कर दिया। और उस स्पॉट के बाद जब रोमन रेंस बैकस्टेज गए थे तभी उन्होंने कहा कि उनका जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो चुका है, और रोमन रेंस को जैसे ओरिजिनली प्लान हुआ था ये स्पॉट वैसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये जो स्पॉट है वो अनप्लान्ड तरीके से किया गया है। रोमन रेंस ने बैकस्टेज सबको ये इन्फॉर्म किया है कि वो इससे हैप्पी नहीं है और वो केविन ओवेंस से खुश नहीं है। पर दोस्तों, आखिर केविन ओवेंस ट्रिपल एच का बच्चा है तो उस पर कोई हीट आएगी नहीं, और यही हुआ है। फाइटफुल ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें ये पता चला है कि केविन ओवेंस के ऊपर कुछ हीट नहीं है, और जो भी स्पॉट हुआ है वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, तो केविन ओवेंस के ऊपर कुछ पनिशमेंट या हीट नहीं हमें देखने मिलेगी। आपको याद होगा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कॉमेंट किया था इन मिजेट्स के ऊपर, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिकोशेट से हरा दिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मिजेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया है, और ब्रॉन को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि ब्रॉन ने वैसा ट्वीट किया मिजेट्स के लिए। बट तुम्हारा जो कंपनी का टॉप स्टार है और जो ड्यूअल चैंपियन है रोमन रेंस, उस पर अगर अनप्लान्ड स्पॉट किया जा रहा है जिससे रोमन रेंस का ईयर ड्रम में प्रॉब्लम आ गया है, तो ये काफ़ी सीरियस केस है। तो यहाँ पर केविन ओवेंस के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ हीट होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि केविन ओवेंस जो है वो ट्रिपल एच का ही बच्चा है। इसलिए दोस्तों, वो सब इग्नोर किया जाएगा और फिर से केविन ओवेंस को मेन इवेंट दिए जाएंगे और टाइटल शॉट पे टाइटल शॉट दिए जाएंगे। अगर इमेजिन करो कि कोई दूसरा होता बिग मैन, या फिर हमारा कोई इंडियन सुपरस्टार होता, तो क्या होता उसके साथ। एनीवेज, यही है WWE की रियलिटी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आप कितने खुश हैं कि WWE इंडिया में आ रहा है और वो अपना शो हैदराबाद में कंडक्ट करने वाला है। सेकंड, क्या आप एक्साइटेड हैं रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस की फ्यूड के लिए एट रॉयल रंबल फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड थर्ड, क्या आपको लगता है कि केविन ओवेंस ने गलत किया है ये अनप्लान्ड स्पॉट करके, और उसके ऊपर हीट होनी चाहिए और पनिशमेंट देनी चाहिए उसको। सो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।